लोगों ने आज मिलकर हम लोग विधिवत उद्घाटन किए और कोडरमा जिला में इस तरह का पार्क कहीं नहीं था, इसीलिए सोचते हुए देखते हुए इस तरह का पार्क का निर्माण कराया गया और आज विधिवत उद्घाटन किया गया। इस पार्क तालाब अत्यधिक गहरा है, कृपया सतर्क रहें। तो यार हमको ऐसा लग रहा है ना, अगर हम इसमें डूबेंगे ना तो हमारे डणवा उतना पानी नहीं जाएगा। तो यार इस सबसे होता क्या है, हमारा कमर का फ्लेक्सिबिलिटी काफी बढ़िया से मूव होगा और अगर कमर उमर में दर्द होगा तो आप लोग यहाँ आइए। कैसा रहा आप देखें सर? मुझे, मैं पूरा पार्क घूमा, हर एक चीज एक्सप्लोर किया, मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। ऐसा का है पता नहीं, कुछ लड़की नहीं है मतलब। काफी अच्छा लग रहा है भाई, लग रहा है हम तारामाची पे बैठ चुके हैं, बस छोटा वाला है। ये भैया अभी 5 साल के बच्चे बन चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है नहीं बताइए, खास करके डीडी साहब का बगल में जो है ना उनको आप थोड़ा सा अच्छी दीजिए, थोड़ा सा तो अच्छी होना चाहिए, कितना पब्लिक को भीड़ लगा के करके दिए खत्म कर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, मैं सुमित कुमार आपके एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो यार अभी फिलहाल मेरे पीछे आप देख सकते हो महर्षि कदम पार्क कोडरमा, अभी मैं कोडरमा में हूँ और यहाँ पे हम आ चुके हैं और चलिए आपको अंदर दिखाते हैं। तो यार कोडरमा का ये पार्क है और नया नया इनॉग्रेशन हुआ है, नया बना हुआ है, तो चलिए इसके बारे में दिखाते हैं कैसा क्या रहता है अंदर में। अभी इनॉग्रेशन का काम होने वाला है तो टोटल चीज़ इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं कैसा क्या बना है और कैसा क्या है, ठीक है? तो चलिए चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। तो यार अभी हम यहाँ पे हैं, अब चल रहे हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कैसा क्या रहता है, व्यू रहता है अंदर का। तो फिलहाल यहाँ पे अंदर जाने का गेट है और आप देख सकते हो सजावट काफ़ी बढ़िया है, तो अंदर चलते हैं, यहाँ से एंट्री गेट है। अब हमारे सुशील भैया जो हमको काफ़ी नहीं, सुशील भाई बहुत वेट किए हमारे। हाँ तो और बताइए, सब कुशल मंगल है भाई, खुशल अध्यक्ष हमारे साथ साथ जुड़े हुए हैं। तो सर हमारे कुछ बोलना चाहेंगे इस पार्क के बारे में कि ये पार्क का मोटिव क्या है, एक्चुअल में क्यों यहाँ पे बनाया गया और इससे क्या लाभ होगा आसपास के लोकल पब्लिक को? सर प्लीज दो बात। देखिए आज कोडरमा जिला को सौगात दिया गया है जिला परिषद के कार्यालय के द्वारा और आज विधिवत उद्घाटन किया गया जिसमें हमारे कोडरमा उपायुक्त, DDC और इन पदाधिकारी पूरे जिले के थे और तमाम कोडरमा जिले के हमारे बुद्धिजीवी, सभी राजनीतिक दल के सभी माननीय सदस्य, सारे लोगों ने आज मिलकर हम लोग विधिवत उद्घाटन किए और कोडरमा जिला में इस तरह का पार्क कहीं नहीं था, इसीलिए सोचते हुए देखते हुए इस तरह का पार्क का निर्माण कराया गया और आज विधिवत उद्घाटन किया गया। इस पार्क का नाम हम लोग कर्दम ऋषि के नाम से हम लोग जो इसको रखे हैं और कर्दम ऋषि का आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा मूर्ति भी हम लोग लगाए हुए हैं उनका और आज हम लोग विधिवत उद्घाटन किए हैं और इसमें बहुत सारे चीज़ है, आप देख रहे हैं कि बच्चों के लिए अलग है, बाकी जो मॉर्निंग वॉक करने के लिए जो जिम है वह भी व्यवस्था है, तालाब का व्यवस्था है और सुबह शाम जो मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं सारा व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। जैसे रहेंगे कोडरमा वासियों के लिए कि आप लोग, इस तरह का पार्क नहीं था और जिला परिषद के द्वारा इस तरह का पार्क आप सबों को दिया गया है, अब सभी लोग आवे इस पार्क का आप लोग लाभ उठावे, सुबह शाम मॉर्निंग करें, अपने बच्चों को घुमाने के लिए लावें और अपने परिवार के साथ इस पार्क में घूम सकते हैं आप। यार अभी फिलहाल यहाँ पे ग्राउंड खाली कर रहे हैं क्योंकि यार शाम से यहाँ पे एंट्री होगी, बट हम लोग का थोड़ा सा स्पेशल छूट मिल चुका है कि आप लोग वीडियो शूट कर सकते हो, ठीक है? तो यार अभी यहाँ पे जा रहे हैं, छोटा सा प्यारा सा तालाब है उसको दिखाते हैं और इधर का जो भी व्यू है कैसा है, टोटल चीज़ इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं और दिखाने वाले, ठीक है? तो यार मेरे सामने यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा तालाब है जिसमें काफ़ी अच्छी तरीके से अभी सजाया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ सिनेमेटिक लुक और बीच में पानी है। तालाब अत्यधिक गहरा है, कृपया सतर्क रहें। तो यार हमको ऐसा लग रहा है ना, अगर हम इसमें डूबेंगे ना तो हमारे डणवा उतना पानी नहीं जाएगा। गलत बात है कि नहीं है?
अगर ज्यादा पानी है तो हमको हलवा दीजिए, हम चल जाएंगे। हलवा दीजिए कोई सेंस है इस बात हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। सॉरी पार्ट ऑफ जोक छोड़िए। इधर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो ये जो तालाब है, छोटा सा प्यारा सा तालाब है, ये काफी गहरा है बताया जा रहा है, चेतावनी भी दिया गया है और इसके साइड साइड से स्टील का रेलिंग लगाया गया है ताकि कोई इसके अंदर प्रवेश ना करे, या तो गिरे ना, धक्का मुक्की ना हो किसी भी तरह का। और यहाँ पे सबसे पहली बात है कि यार ये तालाब था, ठीक है। अब इसके बाद और क्या है चलिए दिखाते हैं और थोड़ा हम भी इंजॉय लेते हैं। तो यार मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप सुबह सुबह आते हो तो कसरत करने के लिए भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा अच्छा इक्विपमेंट्स हैं जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और यार ये यहाँ पे आप मतलब जिम टाइप से आप कर सकते हो, सुबह शाम दोपहर कभी भी आओ ये। तो यार यहाँ पे चलिए दिखाते हैं, कुछ भैया कसरत करते हैं, इन लोगों से थोड़ा सा फीडबैक लेते हैं कैसा लग रहा है, ठीक है। भागिएगा नहीं, ठीक है, हम आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कसरत टाइप से है, मतलब यहाँ पे जिम कर सकते हो। भैया लोग पूरा हिला रहे हैं पकड़ पकड़ के। क्या बोला तूने? मिरेकल 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 मिरेकल। भैया लोग अच्छा कैसा लगा इसके ऊपर चढ़े तो कैसा लगा? बहुत ही अच्छा फील हुआ भैया। अच्छा, हमारे डिस्ट्रिक्ट में दूसरा ये पार्क ऐसा बना हुआ है। तो देखिए आज ओपनिंग था, आज से बंद है, कल से रेगुलर कंटिन्यू। तो यार अभी कैसा क्या है इस चीज़ पर हम बैठते हैं, थोड़ा मज़ा लेते हैं और आप लोग भी मज़ा देते हैं। अब भैया रिकॉर्डिंग कर देंगे मेरा। हाँ तो चले भैया, अब थोड़ा बताइएगा। इस पे आते हैं तो ये दहिना बाया जाएगा, समझे? हाँ। वाओ, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो यार इस सबसे होता क्या है, हमारा कमर का फ्लेक्सिबिलिटी काफी बढ़िया से मूव होगा और अगर कमर उमर में दर्द होगा तो आप लोग यहाँ आइए। पहले बैठ लीजिए। वाह, इस सब में जो आनंद है कहीं नहीं मिलता। मिरेकल मिरेकल मिरेकल। हमको लग रहा है ना हम हवाई जहाज में उड़ रहे हैं। वाओ, क्या मजा आ रहा है। किसी का मुंह कान टूट जाएगा तो भाई सब में आओगे तो अपना पैरा सलामत है। भैया जे कॉलेज, इनको हम जानते हैं, ये शायद जे कॉलेज के गार्ड है ना। हाँ, जे कॉलेज में हम क्यों देखे हैं और आप आए घूमने के लिए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ अच्छा है, कसरत के लिए है, प्लस में घूमने के लिए है, बच्चों के लिए भी है, बच्चा भी बनेंगे दो चार मिनट के बाद। और भैया आप अपना नाम बताइए, थोड़ा सा नाम नहीं पता है। आपका मूछ एक नंबर है। काफी अच्छा लगा भैया से मिलकर, थैंक यू। लकी सेठ हमारा फोटो खींच रहे हैं और ये व्हील है, आप मेरा वीडियो लेना इधर से इधर। तो भाई यहाँ पे ये व्हील है जस्ट लाइक हम घर में नहीं है। तो यार यहाँ पे एक से एक बढ़कर चीज है, यहाँ पे देख सकते हो यार
कसरत भी कर सकते हो, काफी यूनिक है। और आगे हमको लग रहा है बच्चा बनना होगा, क्या है कि बच्चा वाला झूला है, भैया लोग झूल रहे हैं, हमसे नहीं रहा जा रहा है, हम भी आ रहे हैं। कोई ढक लो, जोर से ढक लो, जोर से, जोर से ना भाग की नहीं, नहीं, नहीं इसको। काफी अच्छा लग रहा है भाई, लग रहा है हम तारा माची पे बच चुके हैं, बट छोटा वाला है। एक मिनट, ये भैया अभी 5 साल के बच्चे बन चुके हैं। इतनी खुशी मुझे आज तक। दो ना यार, तुम गलत बात कर रहे हो, चढ़ लियो भाई, मजा काफी आता है भाई, रोक दे 200 ले ले रोई, लेकिन रोक दे तो 200 ज्यादा ले ले, लेकिन लैंड करा दे। भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरे से ज्यादा मोटा ही है ये, हमको कंट्रोल कर रहा है भाई, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बचाओ मुझे, बचाओ। प्रताड़ना हो रहा है सुजीत भाई के साथ, सुजीत भाई के साथ प्रताड़ना हो रहा है भाई। देखो मोटा आदमी के साथ कभी मत बैठना, ये ला के रख देगा आपको, यहाँ मेरा रोस्ट किया जा रहा है, अब आप बचिए। देखिए यहाँ पे बच्चा का एक ये है घिसियाने वाला ना, घिसियाने वाला स्लाइडर है, लकी मिरर लेना, हम स्लाइड करते हैं उधर। वेट के लिए दिक्कत हो रहा है, देखिए यहाँ बैठ गए तो 80 kg का बैठा हुआ, 40 का क्या उठेगा भाई, अलग लेवल का है। यहाँ पे देखिए 1 vs 2 है, एक साइड एक है तो एक साइड दो बैठे तो कंट्रोल में आया, बट देखिए लोकल हैं आप लोग, यहीं से हैं, कोडरमा से हैं। हाँ कोडरमा से हैं, यानी नाम बता दीजिए। रोहित कुमार यादव कोडरमा से, और आपका अंशु डाइट यादव, अंशी, सब कोडरमा से। तो यार काफी अच्छा लगा, क्योंकि यार झूलने में बच्चा लोग का सबसे बड़ा बात चीज है, ठीक है, तो हम लोग बैठ बैठ के देख रहे हैं टूटेगा कि नहीं टूटेगा। अच्छा चेक करेंगे हम लोग, गिरेंगे हम लोग ही नहीं है तो हम लोग सह लेंगे, बच्चा लोग ही करेगा, बच्चा लोग नहीं सहेगा। यार यहाँ पे हमारे ऑनलाइन फ्रेंड मिल चुके हैं जिनका भी यूट्यूब पे चैनल है, और काफी अच्छा लगा मिलके। और इनका यूट्यूब का चैनल है राज टेक्निक नाम से, टेक्निकल वीडियो बनाते हैं, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हैं। आप थोड़ा अपना नाम बताइए। मेरा नाम राहुल है और हम यूट्यूब पे टेक्निकल वीडियो बनाते हैं। भाई से मिलकर अच्छा लगा, पहली बार मिले, मेरे ही एरिया में रहते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम मिले तो मिले काफी अच्छा लगा। और आपका नाम क्या है? अच्छा, राज टेक्निक के साथ ही है और काफी अच्छा लगा, और यहाँ पे आए तो मिल गए, बट भाई हम नहीं पहचान पाए, बट भैया पहचान लिए। तो यार हमारे यहाँ पे जो कोडरमा या तो झुमरी जिले के जितने ब्लॉगर थे सब यहीं पे हैं, सबने इस पार्क का ये एक्सप्लोर की है, सॉरी माई मिस्टेक है, थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करने में हमको टाइम लग जाता है, थोड़ा एक्सप्लोर किया। अब सबसे हम थोड़ा फीडबैक लेना चाहते हैं, कैसा पार्क रहा? और भाई लो फीडबैक लो, बोलो कैसा रहा आप देखे सर? मुझे, मैं पूरा पार्क घूमा, हर एक चीज एक्सप्लोर किया, मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। ऐसा का है पता नहीं, कुछ लड़की नहीं है मतलब गजब टूबी बाज आदमी भाई, गलत बात है। नहीं, इनके कहने का मतलब है क्राउड काफी कम है तो मजा, क्राउड काफी कम था दे रहे हैं। अच्छा रोनी भैया कैसा लगा, आप घूमे तो मजा आया, कितना मजा आया?
देखिए पार्क की बात करें तो पार्क बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया, यहाँ का जो मैनेजमेंट है काफी अच्छा है और यहाँ पे सब चीज पे ध्यान दिया गया। यहाँ पे जो भी प्लांट्स वगैरह हो या फिर बच्चों लोग के लिए हो या फिर बूढ़े लोग के लिए हो, योगा करने का हो, है ना, ओपन जिम का व्यवस्था किया गया, बैठने का व्यवस्था किया गया, तो आप यहाँ पे ग्रुप में बैठ करके कुछ डिस्कस कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट है, एक अच्छा सा तालाब यहाँ पे बनाया गया, बहुत ही यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। ठीक है, अब ओवरऑल बढ़िया पार्क है, आप लोग जरूर आइए घूमने के लिए। और सुजीत भैया के चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब जरूर करें इनके चैनल को, और बस इतना ही बोलूंगा। अरे नहीं 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 भाई, रिट्स रॉनी ब्लॉग को भी सब्सक्राइब करें और मिस्टर सुमित वाराणसी को सब्सक्राइब कर देना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सुशील भैया है, आप थोड़ा बताइए कैसा लगा आपको पार्क, आप यहाँ घूमे, थोड़ा सा बताइए आप। बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई यहाँ आके। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही अंदर घुसा, मैंने पाया कि डीसी साहब अंदर कुछ इनोग्रेट कर चुके थे ऑलरेडी, पिता काट चुके थे, बट हम लोग उसका शॉर्ट्स अभी तक ले नहीं पाए। बट जैसे ही अंदर गया, अंदर घुसे, यहाँ पे देखे जिस तरह से यहाँ पे मैनेजमेंट है, जिस तरह से यहाँ पे सुविधा है बच्चों के लिए, आप जिस तरह पार्क का व्यवस्था किया गया है, और यहाँ पे फूलों की क्यारियाँ लगी है बगल में, पीछे मेरे बैकग्राउंड में जो पॉन्ड देख रहे हैं, और आपके जो सामने में इधर आपका जिम टाइप का कुछ मैनेजमेंट के थ्रू से दिया गया है, तो ओवरऑल एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। और होप कि आगे भी जिला प्रशासन आगे ऐसे और भी पहल करते रहेंगे इसके रिगार्डिंग, और इससे कुछ बढ़ करके कोडरमा टूरिज्म को और भी बढ़ावा मिले। हम लोग एक एक्सप्लोरर, एज ए एक्सप्लोरर हम लोग यही कर सकते हैं कि इन सब चीज़ों को ढेर से ढेर एक्सप्लोर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ढेर से ढेर दिखा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप लोग भी जुड़े रहें, आपका अपना यूट्यूब चैनल है वाइटिंग ब्लॉग, आप लोग उस पर दबा के सब्सक्राइब करें और उनके सारे वीडियोज को देखें, काफ़ी अच्छा। यहाँ पे हम लोग सब अंदर से घूम लिए, थोड़ा बहुत तो अच्छा लगा और थोड़ा बहुत अच्छा भी नहीं लगा, और सब तैयार हो चुके हैं। भैया जी अपना पल्सर पे बैठे हैं और सब निकलने वाले हैं, अब हम लोग भी निकलेंगे, घर जाएंगे भाई, काहे की खाना पीना है, भूख भी लग चुका है, जाम के गरियाना है। अच्छा कुछ बताइए, खास करके डीडी साहब का बगल में जो है ना, उनको आप थोड़ा सा अच्छी चीजें, थोड़ा सा तो अच्छी होना चाहिए, कितना पब्लिक को भीड़ लगा के करके दिए खत्म कर आगे कर। हाँ जिसको बोलना है बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हो। डालोगे या ऐसी बना? नहीं नहीं डालना, गलत गलत हुआ है, कितने लोग को आरमा दिल तोड़ के लो रख दिया ऐसा। हाँ सूखने उखने में टाइम है अभी, थोड़ा के लिए 8 दिन के बाद लगाएंगे, इतना दिन तक पब्लिक बरसात कर रहा था, हमने खाने में खोल दिया, आज जो था ना वो आज ही बंद आ गया। हम क्या करें, 10 दिन के बाद आप पब्लिक के लिए बोलते हैं, आप ऐसा क्यों कर दिए कि पब्लिक के लिए आज से ओपन है? पेपर में दिया गया था अभी सबको एंट्री मिलेगा, माने आप नौकरी पैसा वाला है तो आप ठीक है, बाकी सब बेरोजगार है। चलो चल गया प्रशासन विभाग वाला, तो उसके बाद इन लोगों को कोई वैल्यू नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। चलिए